हेलो एंड वेलकम एवरीवन, मैं धीरज यादव आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म कंपटीशन कम्युनिटी पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज हम लोग यहां पर डिस्कस करने वाले हैं क्लॉक का पार्ट टू, यानी कि घड़ी का पार्ट टू हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि अगर हम सेशन की बात करें, यानी अगर हम बात करें प्रीवियस सेशन की, तो वहाँ पर हम लोगों ने क्लॉक का पार्ट वन कवर किया, जहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया कि हम लोग यहाँ पे किन किन प्रकार के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। जिस कड़ी में सबसे पहले हम लोगों ने देखा टाइम इंटरवल, यानी कि हम लोगों ने टाइम इंटरवल निकालना सीख भी लिया। इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अपने को क्या पढ़ना है, एंगुलर डिस्टेंस यानी कि कोणीय दूरी। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया टाइम टू एंगल, जिसको हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में कवर अप किया हुआ है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो एंगल टू टाइम, यानी कि दिए गए कोण से समय ज्ञात करना, और एक यहाँ पे इनकरेक्ट क्लॉक यानी कि गलत घड़ी के बारे में भी हम लोगों को डिस्कस करना है। एक बात जो रह गई थी, जो छूट गई थी, वो था आपका वाटर इमेज और मिरर इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन, जो कि क्लॉक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, उसे भी हम लोग आज के सेशन में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आज के सेशन की अगर हम बात करें तो आज के सेशन में मुख्यतः हम लोग फोकस करेंगे दिए गए कोण से समय ज्ञात करना, यानी कि एंगल टू टाइम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हम लोग यहां पे बात करेंगे एंगल टू टाइम के बारे में। चलिए तो सबसे पहले हम लोग यहां पे एक घड़ी बना लेते हैं। 12, 6, 3, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7 और 8। क्लियर। अब यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी, मिनट हैंड की, और हम बात करेंगे यहाँ पे किसकी, आवर हैंड की। क्लियर, हम लोग यहाँ पे मिनट हैंड और आवर हैंड के बारे में बात करेंगे। चलिए तो अगर हम बात करें मिनट हैंड की, तो मिनट हैंड एक मिनट में कितने डिग्री का कोण कवर करती है, तो मिनट हैंड एक मिनट में 6 डिग्री का कोण क्या करती है, कवर करती है। और अगर हम बात करें आवर हैंड की, तो आवर हैंड क्या करता है, आपका एक मिनट में 1/2 डिग्री का एंगल कवर करता है। यानी कि अगर हम बात करें दोनों के बीच में जो कोणीय दूरी होनी चाहिए, अगर हम इसको एक ही पॉइंट से क्या करें, स्टार्ट करें, तो दोनों के बीच जो कोणीय दूरी होनी चाहिए, एक्चुअल देखा जाए तो मिनट हैंड डिस्टेंस कितना कवर करता है, डिस्टेंस तो वह 6 डिग्री का कवर करता है, जिसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे आपका आवर हैंड भी क्या करता है, सेम डायरेक्शन में मूव करता है, इस कारण से यहाँ पे जो दोनों के बीच की दूरी बनती है वह कितनी बनती है, 5.5 डिग्री। 5.5 डिग्री की यहाँ पे क्या बनती है, कोणीय दूरी बनती है। कितनी देर में बनती है, तो एक मिनट में बनती है। क्लियर, यानी कि अगर हम कहें इसको 6 डिग्री की दूरी बनाने में कितना समय लगेगा, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक मिनट से अधिक समय लगेगा इन दोनों को आपस में 6 डिग्री का क्या करने के लिए, कोण जेनरेट करने के लिए। यहाँ पे क्या लगेगा, इनको एक मिनट से अधिक समय लगेगा। इसको हम लोग दूसरी भाषा में भी समझने का प्रयास करेंगे। चलिए इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, मैंने कहा मान लेते हैं दो गाड़ियां हैं, यानी कि कार ए और कार बी। मैंने कहा कार ए की स्पीड कितनी है, कार ए की स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर, और कार बी की स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर। क्लियर, हमने कहा दोनों कार को हम क्या करते हैं, एक ही पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, यानी कि पॉइंट सेम है दोनों कार के लिए, और एक ही पॉइंट से हम क्या करते हैं, दोनों कार को स्टार्ट करते हैं। एंड आफ्टर 1 आवर, यानी कि एक घंटे के बाद अगर हम बात करें, एक घंटे के बाद अगर हम बात करें, तो ये वाली कार कितना चल जाएगी, ये वाली यानी कि कार बी आपकी चल जाएगी कितना, 60 किलोमीटर, और कार ए की बात करें तो कार ए कितना चल जाएगी, कार ए चल जाएगी 5 किलोमीटर। यानी कि अगर हम दोनों के बीच में डिस्टेंस की बात करें, तो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो कितने का होगा, वो होगा आपका 55 किलोमीटर का। 55 किलोमीटर का क्या होगा, डिस्टेंस होगा कितनी देर में होगा, तो वो होगा आपका 60 मिनट में। यानी कि अगर हम बात करें 1 किलोमीटर का डिस्टेंस करने तय करने में लगा समय, यानी कि इन दोनों को 1 किलोमीटर का डिस्टेंस क्रिएट करने में जो समय लगेगा, हालांकि यहाँ पे स्पीड इसकी कितनी, 60 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 मिनट में 1 किलोमीटर का डिस्टेंस क्रिएट हो जाना चाहिए। लेकिन क्योंकि आपका कार ए भी क्या कर रही है, सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है, यानी कि रिलेटिव स्पीड के कारण जो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट निकल करके आएगा, यानी कि अगर हम बात करें 1 किलोमीटर का दोनों को डिस्टेंस क्रिएट करने में जो समय लगेगा वह कितना लगेगा, तो वह लगेगा 60/55, यानी कि 12/11।
क्लियर। इन द सेम वे यहाँ पे अगर हम बात करें इन दोनों को 6 डिग्री का एंगल क्रिएट करने में जो समय लगेगा वह भी कितना लगेगा, 12/11, यानी कि 1 मिनट से कितना अधिक समय लगेगा, तो हम कह सकते हैं 1/11 जो है आपका टाइम क्या लगेगा, एक्स्ट्रा लगेगा 6 डिग्री का एंगल क्रिएट करने में। 1 मिनट के तुलना में 1/11 समय आपको अधिक देना पड़ेगा अगर इनके बीच में 6 डिग्री का क्या करना है, एंगल क्रिएट करना है। तो क्लियर, चलिए ये हो गई कुछ बेसिक बातें। अगर यहाँ पे आपको कुछ नहीं कुछ भी डाउट होता है तो केवल क्या करेंगे आप, एक वैल्यू याद रखेंगे 12/11, कोई फॉर्मूला नहीं रटना है, केवल आप क्या रखेंगे याद, एक वैल्यू याद रखेंगे क्या, 12/11। क्लियर, चलिए अब हम लोग कुछ और चर्चा करेंगे। चलिए अब अगर मैं बात करूं, सबसे पहले यहां पे हम लोग कुछ टाइम की बात करेंगे, कुछ दिए गए समय की बात करेंगे जिन पे हमें क्या, जिन समय पे दिए गए समय पे क्या हम यहां पे देखेंगे, 0 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का एंगल और 180 डिग्री का एंगल किन किन समय पे बनेगा। तो अगर मैं समय की बात करूं तो सबसे पहले हम लोग यहां पे टाइम लेंगे 2 से 3 के बीच में, सबसे पहले हम लोग यहां पे बात करेंगे 0 डिग्री की, यानी कि हम बात करेंगे 2 से 3 बजे के बीच, यानी कि 1 घंटे के ड्यूरेशन में, 2 से 3 बजे के बीच 1 घंटे के ड्यूरेशन में दोनों सुइयां 0 डिग्री का एंगल कब बनाएंगी। 0 डिग्री के एंगल को ही हम क्या कहते हैं, ओवरलैप कह सकते हैं, कोइंसाइड कह सकते हैं, संपाती कह सकते हैं, यानी कि आपसे पूछ सकता है कि 2 बजे से 3 बजे के बीच में दोनों घड़ी की दोनों सुइयां, यानी कि मिनट हैंड और आवर हैंड, मिनट वाली सुई तथा घंटे वाली सुई कब संपाती होंगी, यानी कि 0 डिग्री का कोण कब बनाएंगी। क्लियर, चलिए तो हमें पता है 0 डिग्री का कोण यानी कि 0 डिवीजन का गैप, यानी कि दोनों सुइयां क्या हो जाए, एक ही नंबर पे हो जाए। तो हमें पता है कि 2:10 पे ऐसा होना चाहिए, यानी कि एक हमें क्या मिलेगा, एक आइडियल टाइम मिलेगा, जो हमारे दिमाग में बात आएगी वो क्या आएगी कि 2:10 पे ऐसा होना चाहिए। लेकिन हमें पता है कि एग्जैक्ट 2:10 पे ऐसा नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला, क्योंकि आपका जो आवर हैंड है वो भी क्या करेगा, मूव करेगा आगे की तरफ, यानी कि यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा टाइम लेना पड़ेगा एंगल क्रिएट करने के लिए। तो 1 मिनट के लिए हम कितना एक्स्ट्रा टाइम ले रहे हैं, तो 1/11 का टाइम एक्स्ट्रा ले रहे हैं। तो 10 मिनट के लिए हम कितना लेंगे, 10/11 का एक्स्ट्रा टाइम लेंगे, यानी तो 10 मिनट तो हम लेंगे ही लेंगे, साथ ही साथ हम क्या करेंगे, 10/11 का एक्स्ट्रा टाइम भी लेंगे। ये हो गई एक बात। दूसरा, इसको हम कैसे कर सकते थे, यानी कि हमें 10 मिनट का क्या निकालना पड़ेगा, टाइम डिस्प्लेसमेंट, यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पे इसको 10 को हम मल्टीप्लाई किससे कर दें, 12/11 से, तो वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें, 120/11, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 10 टाइम्स ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा और बचेगा कितना आपका, 10/11, यानी कि 2:10 10/11 पे क्या होगा, दोनों सुइयों के बीच में 0 डिग्री का एंगल बनता हुआ दिखाई देगा। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि 2:00 से 3:00 के बीच, यानी कि इस 1 घंटे के ड्यूरेशन में, 1 घंटे के ड्यूरेशन में ऐसा कितनी बार होगा, तो आप कहेंगे 1 घंटे के ड्यूरेशन में ऐसा एक ही बार पॉसिबल है, एक बार से अधिक यहाँ पे हमें ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं देगा। तो सबसे पहला जो प्रश्न आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है आपके एग्जाम में, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। यानी कि अगर हम बात करें 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री, चलिए तो यहां पे हम बात करेंगे 12 आवर्स में और फिर हम बात करेंगे इन अ डे, यानी कि 24 आवर्स में। क्लियर, तो अगर हम बात करें यहां पे सबसे पहले 0 डिग्री की, सबसे पहले अगर हम बात करें 0 डिग्री की, तो 1 घंटे में आपने देखा कि 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि दोनों सुइयां 1 घंटे में कितनी बार 0 डिग्री का एंगल बना रही हैं। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि एक बार बना रही हैं, यानी कि जब हम बात करेंगे 12 घंटों की, 12 घंटे में घड़ी के मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई कितने बार 0 डिग्री का कोण बनाती है या कितनी बार कोइंसाइड होती है,
तो यहाँ पे आपका उत्तर क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा 11 टाइम्स यानी कि 11 बार। तो ऐसा 11 बार क्यों होगा इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। और दूसरा यहाँ पे अगर हम 24 घंटे की बात करें तो कितना हो जाएगा 22 टाइम्स यानी कि 22 बार। क्लियर। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं इसी दिए गए समय में, चलिए इसको मैं रिमूव करता हूं, यानी कि अगर इसी दिए गए समय में मैं बात करूं दो से तीन की ही अगर मैं बात करूं, दोनों सुइयों के बीच में 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा या 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा। तो सबसे पहले 180 देख लेते हैं हम लोग, 180 की बात कर लेते हैं, यानी कि दोनों सुइयों के बीच में 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा। तो 180 डिग्री के कोण के लिए हमें कितने डिविजन्स का गैप चाहिए, तो हमें पता है एक डिवीजन की वैल्यू कितनी होती है 30 डिग्री, और 180 डिग्री का एंगल अगर हमें चाहिए तो हमें यहाँ पे 6 डिवीजन का गैप भी बनता हुआ दिखाई देना चाहिए, यानी कि एक सुई अगर दो पे है तो दूसरी कहाँ पे होनी चाहिए 8 पे, यानी कि 2:40 पे क्या होना चाहिए दोनों सुइयों के बीच में 180 डिग्री का कोण बनना चाहिए, लेकिन हमें पता है ऐसा 2:40 पे होता हुआ दिखाई नहीं देगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 40 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 12/11 से, या फिर हम क्या कर सकते थे, हमें पता है कि एक मिनट के डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होती है 1/11, तो हम क्या करेंगे 40/11 भी लेंगे, जिसकी वैल्यू हमें कितनी मिलेगी 3/7/11, यानी कि हमें क्या करना होगा 40 में 3 जोड़ना होगा, यानी कि 43 आ जाएगा, 7/11 आ जाएगा। तो दोनों ही हमारे पास तरीके हैं कैलकुलेशन, आपको बिल्कुल पेन चलाने की आवश्यकता नहीं होगी, बाकी एक एक वैल्यू मैं आपको हर एक मिनट पे कितनी वैल्यू आएगी सब बिल्कुल रटा दूंगा, सेशन खत्म होते होते मैं आपको सारी वैल्यू बिल्कुल आपके दिमाग में फीड कर देने वाला हूं, ठीक है। तो इसके लिए आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए कि आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, किसी भी प्रकार के कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको वैल्यू सारी आपके दिमाग में फीड होने वाली है। तो जब हम बात करेंगे, देखो दो तरीके मैंने बताया, एक तो इसको पूरा पूरा मल्टीप्लाई करो, पूरा पूरा मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 480/11, और इसको जब आप सॉल्व करते हैं 11 से तो ये जाएगा आपका 4 टाइम्स, और फिर जाएगा आपका 3 टाइम्स, बचेगा कितना 7/11, यानी कि 4 टाइम्स में आ गया 44, फिर बचा कितना आपका 40, तो यानी कि 33 आपका जाएगा 3 टाइम्स में, बचेगा 7/11, यानी कि 43 मिनट 7/11 पे क्या होगा, दोनों सुइयों के बीच में 180 डिग्री का कोण बनता हुआ दिखाई देगा। यानी कि हम एक घंटे की ड्यूरेशन की अगर बात करें, दो से तीन की बात करें, इस एक घंटे के ड्यूरेशन यानी कि इस एक घंटे के समय अंतराल की अगर हम बात करें, तो बताइए दोनों सुइयों के बीच में ऐसा होता हुआ कितनी बार हमें दिखाई दे रहा है कि दोनों के बीच में 6 डिवीजन का गैप हो। तो आप कहेंगे कि ऐसा एक ही बार पॉसिबल है, यानी कि जब हम बात करेंगे 12 घंटों की, तो 12 घंटे में दोनों सुइयां 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनाएंगी। तो यहां से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 11 टाइम्स। क्लियर। 11 टाइम्स क्यों होगा इसका रीजन भी हम लोग जानेंगे, और जब हम बात करेंगे 24 आवर्स में तो कितना हो जाएगा 22 टाइम्स। क्लियर। चलिए अब यहां पे हम एक और समय ले लेते हैं, इस बार समय हम ले लेते हैं 4 से 5 के बीच। चार से पांच के बीच दोनों सुइयों के बीच में 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा। तो जब हम बात करते हैं 90 डिग्री के कोण की, यानी कि 90 डिग्री के एंगल की जब हम बात करेंगे, तो हमें पता है कि एक डिवीजन की वैल्यू होती है 30 डिग्री, और 90 डिग्री के लिए यहाँ पे कितने डिवीजन्स का गैप होना चाहिए, यहाँ पे 3 डिवीजन्स का क्या होना चाहिए, गैप होना चाहिए दोनों सुइयों के बीच। तो अगर एक सुई 4 पे है तो दूसरी 1 पे होगी तो भी आपका 3 डिवीजन का गैप, और दूसरी सुई 7 पे होगी तो भी आपका 3 डिवीजन का गैप, यानी कि एक बार 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए 4:05 के आसपास, और दूसरा बनना चाहिए 4:35 के आसपास। एग्जैक्ट टाइम निकालने के लिए हमें क्या करना है, 12/11 से मल्टीप्लाई करना है। किसमें करना है, तो एक बार 5 में करेंगे और एक बार करेंगे किसमें, 35 में, ठीक है। अब दोनों की वैल्यू देखो कैसे निकालोगे, यानी कि हमें पता है एक मिनट का डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी है 1/11, तो 5 मिनट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/11, यानी कि 5 मिनट आपका कंप्लीट हो जाएगा और 5/11 ऐसे निकाल सकते थे। 35 मिनट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो हमें पता है एक मिनट की वैल्यू 1/11 है, तो 35 मिनट की वैल्यू आ जाएगी 35
बाई 11, इसको हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे जब फ्रैक्शन में, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 होल 2 बाई 11, यानी कि 35 तो रहेगा ही रहेगा, प्लस उसमें क्या करोगे आप 3 होल 2 बाई 11 ऐड करोगे तो कितना बन जाएगा 38 होल 2 बाई 11। ये हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका आप कैसे कर सकते थे इसको, दूसरा तरीका आप इसको पूरा मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते थे। चलिए तो बात कर लेते हम लोग यहां पे दूसरे तरीके की। तो 35 को जब आप 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 35 को जब आप 12 से मल्टीप्लाई करोगे 12 तिहाई 36 और 12 पंचे 60, यानी कि 420/11। 420 को जब आप क्या करोगे 11 से डिवाइड करोगे तो 42 को डिवाइड करोगे तो 3 टाइम्स में जाएगा 33, बचेगा 9 और 90 आगे का जीरो ले लोगे 90, यानी कि 38 होल 2 बाई 11 यहाँ पे आपको वैल्यू देखने को मिलेगी। यानी कि दो बार यहाँ पे आपको टाइम देखने को मिलेगा, एक बार तो बनेगा 5 मिनट्स 5/11 पे, और दूसरा 90 डिग्री का एंगल बनेगा आपका 38 होल 2 बाई 11 पे, यानी कि 4:38 2/11 पे क्या बनेगा, एक बार 90 डिग्री का एंगल बनेगा और एक बार कब बनेगा 4:05 5/11 पे। क्लियर? तो यहाँ पे आपको दोनों में से कोई एक विकल्प दिया हुआ हो सकता है, या फिर दोनों विकल्प अगर देगा तो आपको एक ऑप्शन ऐसा भी मिलेगा कि बोथ, और इन दो ऑप्शन जिस आपको विकल्प में दिए गए होंगे, जैसे ए और सी में दिया है तो क्या हो जाएगा बोथ ए एंड सी। क्लियर? तो अगर हम बात करें यहाँ पे सबसे पहले 90 डिग्री के एंगल की, देखो टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल आराम से सेशन को बने रहना है। क्वेश्चंस मैं इतने यहाँ पे लगवा दूंगा, एक बार इसका पूरा हम लोग चक्कर लगाएंगे और यहाँ पे हर एक टाइम की जो वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करने के बाद, यानी कि 12/11 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या वैल्यू आएगी, बिल्कुल आपके दिमाग में फीड हो जाने वाला है। क्लियर? क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जहां तक पूछे जा सकते हैं हर उस प्रकार के क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। तरीका एक ही रहेगा, किसी फॉर्मूले को रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे हम लोगों ने जब दिए गए समय पे कोण ज्ञात किया था तो कोई फॉर्मूला नहीं रटा था, वैसे ही हम लोग यहाँ पे भी कोई फॉर्मूला रटने वाले नहीं है। क्लियर? चलिए तो अगर हम बात करें यहाँ पे 90 डिग्री का कोण एक घंटे के ड्यूरेशन में कितनी बार बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि एक घंटे के समय अंतराल में 90 अंश का कोण आपको दो बार बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि जब हम बात करेंगे किसकी, हम बात करेंगे 12 घंटे की, तो 12 घंटे में ऐसा होता हुआ कितनी बार हमें दिखाई देगा, तो ऐसा होता हुआ हमें केवल और केवल 22 टाइम्स दिखाई देगा। और जब हम बात करेंगे 24 घंटे की तो ऐसा कितनी बार होगा, तो ऐसा आपको 44 बार होता हुआ दिखाई देगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके पीछे का कारण निकालेंगे, इसके पीछे का कारण क्या है इसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पे जो आपको कमी देखने को मिल रही है वो क्यों मिल रही है, यानी कि कमी आपको यहाँ पे देखने को क्यों मिल रही है, इसके पीछे का हम लोग कारण जानेंगे। क्लियर? चलिए तो देखते हैं कि ये जो कमी देखने को मिल रही है ये हमें क्यों मिल रही है, इसके पीछे का कारण क्या है, इसके विषय में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। चलिए जान लेते हैं इसके पीछे का कारण कि ऐसा आखिर हो रहा है, कमी आ रही है। एक घंटे में अगर एक बार आपका 0 डिग्री का एंगल बन रहा है तो 12 घंटे में 11 बार क्यों बन रहा है, जब एक घंटे में दो बार आपका 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो 12 घंटे में 22 बार ही क्यों बन रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है इसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। और इसको जानने के लिए मैं यहाँ पे आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, क्वेश्चंस को आप लोग क्या करेंगे मेरे साथ साथ सॉल्व करते चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे 2 बजे से 3 बजे के बीच 90 डिग्री का एंगल कब बनेगा, उसका हम लोगों को क्या करना है, समय ज्ञात करना है। तो ये हो गया आपका 2 बजे का समय। अब हमें पता है कि 3 डिवीजन पहले और 3 डिवीजन बाद क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है, यानी कि 2 में से हम 3 घटाएंगे तो कितना वैल्यू मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा एक बार तो 11, यानी कि अगर 2 को हम 14 कंसीडर करें तो 14 में से 3 घटाओगे तो मिल जाएगा 11, और अगर 14 में हम 3 जोड़ें तो 17, यानी कि 5। ठीक है, तो एक बार तो हमें मिलेगा कब, 2:25 पे, तो हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 25 का मल्टीप्लाई करेंगे 12/11 में,
और एक बार हमें मिलेगा 2:55, तो हम मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 55 में करेंगे 12/11 का मल्टीप्लाई, ठीक है। और ये बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो कि आपके दिमाग में अगर घड़ी फीड है तो इसको आसानी से निकाल सकते हो। मैंने आपको सारी बातें लेक्चर 1 में बताई हैं कि एक मिनट में मिनट वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है, घंटे वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। दोनों के बीच मैंने कंपैरिजन करके भी दिखाया, साथ ही साथ आपको सेकंड वाली सुई से भी कंपैरिजन करके सारी बातें हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे पहले समय की, जब आपका क्या करेगा, दोनों सुइयों के बीच में 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो समय क्या है आपका 25 मिनट पे, यानी कि बनना कहाँ चाहिए 25 मिनट पे। हम क्या करेंगे 25 मिनट का डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे, तो एक मिनट के डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी थी 1/11, या तो इससे निकाल सकते थे या तो 25 का मल्टीप्लाई किस में कर दें हम लोग 12/11 में कर दें, इससे हम लोग निकाल सकते हैं। 12/11 में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वैल्यू डायरेक्ट मिल जाएगी मिनट के साथ, और 1/11 निकालोगे तो उतना आपको ऐड करना पड़ेगा 25 मिनट्स में, ठीक है। दोनों ही तरीके से निकाल सकते हो, इस तरीके से निकालोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 टाइम्स में जाएगा बचेगा 3, आपका 3 जाएगा फिर से आपका 2 टाइम्स में 25/11, 2 टाइम्स में जाएगा बचेगा 3/11। देखो अगर इस वाले तरीके से आप निकालोगे 25 मिनट का, तो 1 मिनट के लिए 1/11, तो 25 का कितना जाएगा 2 होल 3/11, और इसको ऐड हमें करना होगा किसमें 25 में, इसको ऐड हमें किसमें करना होगा 25 में, और इस तरीके से निकालोगे तो वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको, ये मिल जाएगी आपको 300/11, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना जाएगा 2 टाइम्स में जाएगा, फिर 7 टाइम्स में जाएगा, फिर बचेगा आपका कितना 3/11। यानी कि चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, दोनों ही तरह से आपको वैल्यू सेम मिलनी है, और वैल्यू कितनी मिल जाएगी 27 होल 3/11, क्लियर। यानी कि पहला जो आपका बनेगा 90 डिग्री का एंगल दोनों सुइयों के बीच में, वो कब बनेगा 2:27, 3/11 पे पहला आपका 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। पहला 90 डिग्री का एंगल जो बनेगा वो कब बनेगा 2:27, 3/11 पे पहला 90 डिग्री का एंगल बनेगा दोनों सुइयों के बीच। दूसरे 90 डिग्री के एंगल की बात करें तो कब बनना चाहिए, जब ये वाली सुई कहाँ पे आएगी 11 पे आएगी, यानी कि मिनट वाली सुई यहाँ से घूम करके कहाँ पहुँचेगी 11 पे पहुँचेगी, तो दूसरा 90 डिग्री यानी कि 3 डिवीज़न का गैप, 11 से 12, 12 से 1 और 1 से 2, 3 डिवीज़न का गैप आपको बनता हुआ दिखाई देगा। यानी कि हम बात करेंगे 55 मिनट के डिस्प्लेसमेंट की, तो 55 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे हम 12/11 में, या सिंपली हम 1 मिनट की वैल्यू कितनी होती है 1/11, तो हम क्या निकालेंगे 55 मिनट की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि 55/11, और इसको काटोगे तो पूरा पूरा वैल्यू आपको कितना मिलेगा 5, यानी कि 55 में हमें क्या कर देना है 5 को ऐड कर देना है, ठीक है। और अगर आप मल्टीप्लाई करते हो 12/11 में, तो देखो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11 से 55 को काटोगे तो 5 टाइम्स में जाएगा, और 12 5 जा कितना हो जाएगा 60, यानी कि दूसरा 90 डिग्री का एंगल जो बनेगा दोनों सुइयों के बीच में वो कब बनेगा 2:60, यानी कि एग्जैक्टली कहाँ बनेगा 3 बजे, एग्जैक्टली कहाँ बनेगा 3 बजे बनेगा दोनों सुइयों के बीच 90 डिग्री का एंगल। तो एक तो टाइम मिल गया आपको 2:27, 3/11, और दूसरा समय आपको मिल गया 3 बजे, क्लियर। ये दो समय आपको देखने को मिल रहे हैं 2 से 3 के बीच में दोनों सुइयां 90 डिग्री का एंगल कब कब बना रही, तो एक तो बनाएगी 2:27, 3/11, और दूसरा बनाएगी एग्जैक्टली 3 बजे। अब हम बात करेंगे यहां पे 3 से 4 के बीच, 3 बजे से 4 बजे के बीच दोनों सुइयों के बीच में 90 डिग्री का एंगल कब बनेगा, ठीक है। तो 3 से 4 के बीच में जब हमें देखना है दोनों सुइयों के बीच में 90 डिग्री का एंगल कब बनेगा, तो 3 डिवीज़न पहले और 3 डिवीज़न बाद, तो 3 में 3 घटाओगे तो कितना मिल जाएगा 0 मिल जाएगा, यानी कि 12 पे होगी सुई तब बनेगा, और 1 3 में 3 जोड़ोगे तो 6, यानी कि 3:30 बजे के आसपास। तो जब हम पहले एंगल की बात करते हैं 90 डिग्री के एंगल की, तो वो आपको ऑलरेडी बना बनाया यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यानी कि जब हम बात करेंगे 3 से 4 के बीच में, तो पहला 90 डिग्री का एंगल तो आपका 3 बजे ऑलरेडी बना हुआ आपको दिखाई दे रहा है, और दूसरे की हम बात करें तो 3:30, यानी कि हम 30 मिनट का क्या निकाल लेंगे, डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे, जिसकी वैल्यू की अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा, 32 होल
8 बाई 11, जिसकी हम वैल्यू की बात करें तो कितना हो जाएगा, 32 होल 8 बाई 11 हो जाएगा, यानी कि 360 बटे 11 जब आप इसको काटोगे तो कितनी बार में जाएगा, 3 बार में 33, फिर बचा आपका 30, फिर 2 बार में जाएगा 22, बचेगा 8 बटे 11, यानी कि दूसरा जो आपको टाइम मिल रहा है वो कब मिल रहा है, 3:32 8 बटे 11। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस 2 घंटे के ड्यूरेशन की, अगर हम बात करें इस 2 घंटे के ड्यूरेशन की, यानी कि अगर हम बात करें 2 बजे से 4 बजे के बीच इस 2 घंटे की अगर हम ड्यूरेशन की बात करें, तो यहाँ पे ये दोनों जो सुइयां हैं वो केवल और केवल 3 बार ही क्या कर रही हैं, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही हैं, 90 डिग्री एंगल क्या कर रही हैं, फॉर्म कर रही हैं, यानी कि बना रही हैं, ठीक है। 2 घंटे के ड्यूरेशन में 90 डिग्री का एंगल कितनी बार बना रही है, केवल और केवल 3 बार। तो 1 बार की कमी तो आपको यहां से मिल गई, जो कि हम लोगों ने क्या देखा था, 90 डिग्री का एंगल देखे हम लोगों ने, देखा था कि 12 घंटे में कितनी बार बनाते हैं 90 डिग्री का एंगल, सॉरी यहां पे ये उल्टा लिख गया है, इसको करेक्शन कर लीजिएगा, यहां पर यह हो जाएगा आपका 22 टाइम्स और ये हो जाएगा आपका 44 टाइम्स। और ये हो जाएगा आपका 11 टाइम्स। और ये हो जाएगा आपका 22 टाइम्स। चलिए, तो यहाँ पे आपने देखा कि 12 घंटे में कितनी, 1 घंटे में 2 बार, तो 12 घंटे में 22 बार, यानी कि 1 बार की कमी तो आपको समझ में आ गई। अब हम जानेंगे यहाँ पे दूसरी कमी जो आपको देखने को मिल रही है वो क्यों और कब मिल रही है। तो दूसरा हम लोग यहाँ पे ज्ञात करेंगे 8 से 9 के बीच में दोनों सुइयां 90 डिग्री का एंगल कब बनाएंगी। तो दूसरा हम लोग ज्ञात करेंगे 8 बजे से 9 बजे के बीच दोनों सुइयों के बीच में 90 डिग्री का एंगल कब बनेगा, क्लियर। तो 8 से 9 की अगर मैं बात करूं, तो 3 डिवीजन पहले और 3 डिवीजन बाद, 3 डिवीजन पहले और 3 डिवीजन बाद की हम यहाँ पे क्या करेंगे, बात करेंगे। तो जब हम बात करेंगे 3 डिवीजन पहले, तो 8 में से 3 घटाओगे तो 5, यानी कि 8:25 के आसपास, और 8 में 3 जोड़ोगे तो 11, यानी कि 8:55 के आसपास। तो जब हम 25 की वैल्यू निकालेंगे तो 25 की वैल्यू आप ऑलरेडी देख सकते हो क्या मिली आपको, 27 होल 3 बाई 11, यानी कि 8:27:3/11 पे पहला आपका 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और जब हम 55 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितना आता है, 60 आ जाता है, यानी कि पूरा पूरा यहाँ पे एंगल जो आपका बनेगा वो कितने बजे बनेगा, 9 बजे बनता हुआ आपको दिखाई देगा दूसरा 90 डिग्री का एंगल। दूसरा 90 डिग्री का एंगल आपको 8 से 9 के बीच में एग्जैक्टली कब बनता हुआ दिखाई देगा, 9 बजे, क्लियर। अब अगर हम बात करें यहाँ पे, तो हम बात करेंगे 9 से 10 के बीच में, हम बात करेंगे 9 से 10 के बीच में दोनों सुइयों के बीच में 90 डिग्री का एंगल कब बनेगा। तो जब हम 9 से 10 की बात करेंगे तो पहला तो आपको कब मिल जाएगा, पहला आपको 9 बजे यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल ऑलरेडी बना हुआ मिल जाएगा, और दूसरा अगर हम बात करें तो 9:30 बजे, यानी कि 9:30 पे, जिसकी वैल्यू आपको पता है कितना हो जाएगा, 32 होल 8 बाई 11, यानी कि अगर हम बात करें 8 बजे से 10 बजे के बीच, 8 बजे से 10 बजे के बीच इस 2 घंटे की ड्यूरेशन की अगर हम बात करें, इस 2 घंटे के समय अंतराल की अगर हम बात करें, तो दोनों सुइयां केवल और केवल 3 बार ही क्या कर रही है, एंगल फॉर्म कर रही है। ये तो आपका हो गया कॉमन टाइम 9 बजे, और दूसरा तीसरा आपको मिल रहा है 9:32 8/11, यानी कि इस 2 घंटे की ड्यूरेशन में भी आपको 1 बार की कमी दिखाई दे रही है, यानी कि अगर हम बात करें इन्हें 4 घंटों की, 2 से 4 और 8 से 10, इन 4 घंटों की बात करें, तो इन 4 घंटों में केवल और केवल 6 बार ही क्या कर रही है, घड़ी की दोनों सुइयां आपस में 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है या बना रही है, क्लियर। और इसलिए यहाँ पे अगर हम बात करें 12 घंटे की, तो 12 घंटे में आपको यहाँ पे 22 बार 90 डिग्री का एंगल देखने को मिलेगा दोनों सुइयों के बीच में बनता हुआ, क्लियर। यानी कि बनाएंगी कितनी बार, 22 बार, और 24 घंटे में कितनी बार बनाएंगी, 44 बार, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे 0 डिग्री की और 180 डिग्री की। अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं 0 डिग्री की और 180 डिग्री की, कि यहाँ पे आपको जो कमी देखने को मिल रही है वो क्यों मिल रही है।
चलिए घड़ी फिर से बनाना पड़ेगा। अच्छा ये है, चलिए अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि 180 डिग्री का जो आपका एंगल है और 0 डिग्री का एंगल है, जब हमें पता है कि एक घंटे के समय अंतराल में 180 डिग्री का एंगल एक बार बनता है, 0 डिग्री का एंगल एक बार बनता है, तो 12 घंटे में 11 बार क्यों हमें देखने को मिलता है, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे 0 डिग्री के एंगल की, और समय जो होगा हमारा वो क्या होगा, 11 से 12 के बीच। समय जो होगा वो क्या होगा, 11 से 12 के बीच 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा। तो अगर हम बात करें 11 बजे से 12 बजे के बीच में 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा, तो आवर हैंड है 11 पे, मिनट हैंड को भी कहाँ आना पड़ेगा, 11 पे आना पड़ेगा, यानी कि कितना ये ट्रेवल करेगा, 55 मिनट ट्रेवल करेगा। तो 55 मिनट का हम लोग क्या निकाल लेंगे, मिनट डिस्प्लेसमेंट। 55 मिनट का हम लोग क्या निकाल लेंगे, मिनट डिस्प्लेसमेंट। और एक मिनट की वैल्यू हमें पता है कितना होता है, 1/11, तो 55 मिनट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सीधे सीधे आपको 5 बनती हुई दिखाई देगी, यानी कि 55 में क्या ऐड करना होगा, आपको 5 ऐड करना होगा, एक तरीका ये। दूसरे तरीके की बात करें तो 55 में आपको मल्टीप्लाई किससे कर देना था, 12/11 से मल्टीप्लाई कर देना था, 11 5 जा कितना हो जाएगा 55, और 5 12 जा कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा, यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11:60, यानी कि एग्जैक्टली 12 बजे आपको क्या दिखाई देगा, 0 डिग्री का एंगल बनता हुआ दिखाई देगा दोनों सुइयों के बीच। अब जब हम बात करेंगे यहाँ पे 12 से 1 की, जब हम बात करेंगे 12 बजे से 1 बजे के बीच की, तो बताइए दोनों सुइयों के बीच में 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा, तो आपको एग्जैक्ट 12 बजे ही दोनों सुइयों के बीच में 0 डिग्री का एंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्लियर। यानी कि आपको एग्जैक्ट 12 बजे ही दोनों सुइयों के बीच में क्या दिखाई दे रहा है, 0 डिग्री का एंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एक तो टाइम हो गया 11 से 12 की जब हमने बात करी, तो भी आपका एंगल कब बन रहा था, एग्जैक्ट 12 बजे, और जब हम 12 से 1 की बात करें तो भी आपका एंगल कब बन रहा है, एग्जैक्ट 12 बजे ही बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि अगर हम बात करें 11 बजे से 1 बजे के बीच इस 2 घंटे की ड्यूरेशन की अगर हम बात करें, तो दोनों सुइयां 0 डिग्री का एंगल कितनी बार फॉर्म कर रही है, केवल और केवल 1 बार फॉर्म कर रही है, इसलिए 12 घंटे में आपका दोनों सुइयां 11 बार क्या करेंगी, 0 डिग्री का एंगल फॉर्म करेंगी। इन द सेम वे जब हम बात करेंगे किसकी, 180 डिग्री की, जब हम बात करेंगे 180 डिग्री की, चलिए जब हम बात करते हैं 180 डिग्री के कोण की, तो यहां पे समय हम लोग लेंगे 5 बजे से 6 बजे के बीच। तो हमें पता है जब हम 180 डिग्री के एंगल की बात करेंगे, तो सबसे पहले तो देख लो टाइम, हम बात कर रहे हैं 5 बजे से 6 बजे के बीच, तो 5 में 6 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 11, यानी कि 5:55 पे क्या होना चाहिए था, 0 डिग्री का एंगल बनना चाहिए था। 55 में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 12/11 से, तो वैल्यू कितनी मिल जाएगी, हमें वैल्यू मिल जाएगी 60, यानी कि यहाँ पे आपको एग्जैक्टली 6 बजे क्या बनता हुआ दिखाई देगा, 180 डिग्री का कोण बनता हुआ दिखाई देगा, किसके किसके बीच, मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच। तो अगर हम बात करें 5 से 6 के बीच में दोनों सुइयों के बीच में 180 डिग्री का कोण कब बनेगा, तो आपको एग्जैक्टली 6 बजे बनता हुआ दिखाई देगा। और यहाँ पे जब हम बात करेंगे 6 से 7 की, जब हम बात करेंगे 6 बजे से 7 बजे के बीच, तो भी आपको यहाँ पे एग्जैक्टली 6 बजे ही 180 डिग्री का कोण बनता हुआ दिखाई देगा। यानी कि हम बात करें 5 से 7 के बीच में, यानी कि इस 2 घंटे के समय अंतराल की अगर हम बात करें, तो इस 2 घंटे के समय अंतराल में दोनों सुइयां केवल और केवल क्या कर रही हैं, एक बार ही 180 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही हैं, यानी कि 180 डिग्री का एंगल केवल और केवल एक बार ही बना रही हैं, इसलिए 12 घंटे में दोनों सुइयां 180 डिग्री का एंगल कितनी बार बनाएंगी, 11 बार। क्लियर, बात समझ में आई, ये कमी क्यों आई। अब यहाँ पे किसी भी दिए गए समय पर हम लोग क्या करेंगे, 0 डिग्री 180 डिग्री 90 डिग्री, जो भी आपका एंगल है उसके बारे में चर्चा करेंगे, कि फिर हम लोग हर एक मिनट की जो आपकी वैल्यू आएगी उसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 12/11 से, तो वो वैल्यू क्या होने वाली है, जो कि बेसिकली आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। और फिर हम लोग क्लॉक में जो जो बातें अभी तक पढ़ चुके हैं इन पर आधारित कुछ प्रश्नों की भी चर्चा करेंगे।
क्लियर। तो आपको केवल क्या याद रखना है, आपको केवल और केवल एक वैल्यू याद रखनी है, 12/11 या फिर 1/11, ठीक है। दोनों का आप यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं, कैलकुलेशन आपको जैसे इजी लगे आप वैसे कर सकते हैं। 1/11 के साथ जाओगे तो आपको वैल्यू ऐड करना पड़ेगा जितने मिनट में, और अगर आप टोटल चाहते हैं कि एक बार में आपको वैल्यू निकल करके आए तो आप क्या करेंगे, 12/11 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब वैल्यूज क्या होने वाली है, कैसे इसको हम लोग निकालेंगे, कैसे हमारे दिमाग में सारी की सारी वैल्यू फीड होने वाली है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कुछ अन्य दिए गए समय की, जिस पे हम लोग क्या करेंगे, कुछ पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं घड़ी की, 12, 6, 3, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7 और 8, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कुछ प्रश्नों की, यानी कि समय हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे 7 से 8, एक समय ले लेते हैं हम लोग 7 से 8, और दूसरा समय हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे 10 से 11। इन दोनों दिए गए समय पे हम लोग क्या निकालेंगे, 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री का एंगल कब कब बनेगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री का एंगल कब कब बनेगा, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ 7 से 8 की, तो इससे पहले कि हम लोग इस क्वेश्चन को लगाएं, हम लोग क्या करते हैं एक बार पूरी की पूरी वैल्यूज को देख लेते हैं, फिर आप देखिए कि कैसे विद इन सेकेंड्स ओरली आप इन क्वेश्चन का आंसर निकाल पाते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लें, प्रोसेस हमें पता है, हमें तरीका पता है, हमें कॉन्सेप्ट पता है कि कैसे हमें वैल्यू निकालना है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, चलिए हम बात कर लेते हैं यहाँ पे किसकी, 5 मिनट की, हम बात करेंगे किसकी, 10 मिनट की, हम बात करेंगे किसकी, 15 मिनट की, 20 मिनट की, 25 मिनट की, 30 मिनट की, फिर हम बात करेंगे यहाँ पे 35 मिनट की, फिर हम बात करेंगे यहाँ पे 40 मिनट की, फिर हम बात करेंगे 45 मिनट की, फिर हम बात करेंगे यहाँ पे 50 मिनट की, और फिर हम बात करेंगे एट लास्ट यहाँ पे 55 मिनट की, जो कि बेसिकली हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू देखेंगे कैसे निकालना है और वैल्यू क्या क्या होने वाली है, पूरी की पूरी वैल्यू हमारे दिमाग में बिल्कुल आसानी से फीड होने वाली, मैं तरीका भी बताऊंगा आप लोगों को। तो एक तो तरीका क्या है कि 1/11, यानी कि 1 मिनट की वैल्यू कितनी होती है 1/11, अगर हमें 5 मिनट का निकालना है तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/11, और इस वैल्यू को हमें क्या कर देना है, 5 में जोड़ देना है, यानी कि टोटल की बात करें तो कितना हो जाएगा, 5 होल 5/11, ये हो गया एक तरीका, ठीक है। दूसरे तरीके की अगर हम बात करें तो हमें क्या करना था, 5 में मल्टीप्लाई कर देना था किससे, 12/11 से, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60/11। जब 60/11 को हम यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 5 होल 5/11, ठीक है। तो ध्यान दीजिए कि जब 5 होल में आता है तो ऊपर में कितना बचता है, 5 ही बचता है। जब 1 होल में आएगा तो ऊपर में कितना बचेगा आपका, 9 बचेगा। जब 2 होल में आएगा, यानी कि यूनिट डिजिट आपका लास्ट में क्या रहेगा, 2 रहेगा, तो ऊपर में कितना बचेगा, 8 बचेगा, ठीक है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे तो कहीं ना कहीं आप आसानी से ऑप्शंस को भी क्या कर पाएंगे, एलिमिनेट कर पाएंगे। तो जब हमने बात करी 5 होल 5/11, यानी कि 5 मिनट की जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, तो वो आ गई हमारी 5 होल 5/11, इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। इसके लिए वैल्यू मिल जाएगी हमें कितनी, 5 होल 5/11, ठीक है। जब हम बात करेंगे 10 की, तो 10/11, यानी कि यहाँ पे एक भी नंबर हमें बढ़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। जब आपने अगर फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा हो तो 10/11 क्या है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी कि 10 तो आपका पूरा पूरा रहेगा ही रहेगा, साथ ही साथ क्या मिल जाएगा, 10/11। जब हम बात करेंगे 15 की, तो 15/11, यानी कि 1 मिनट की वैल्यू हमें पता कितनी होती है, 1/11, तो 15 मिनट की वैल्यू कितनी मिल जाएगी एक्स्ट्रा हमें, 15/11। जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो आपको एक तो पूरा पूरा होल डिजिट दिखाई देगा, यानी कि एक पूरा पूरा आपको बनता हुआ दिखाई देगा, बचेगा कितना आपका, 4/11, यानी 15 में आप क्या जोड़ेंगे, एक पूरा पूरा जोड़ेंगे तो हो जाएगा 16, और ऊपर में कितना बचेगा, 4/11, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 होल 4/11।
फिर हम बात करेंगे 20 की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 11, तो एक बार में कट जाएगा यानी कि एक ऐड हो जाएगा, बचेगा कितना 9/11, 21 होल 9/11। बात करें 25 की, तो दो पूरा पूरा ऐड हो जाएगा, बचेगा कितना 3/11 यानी कि 25 में दो जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 27 होल 3/11। 30 की बात करें तो दो पूरा पूरा कट जाएगा, बचेगा कितना 8/11 यानी कि ये कितना हो जाएगा 32 होल 8/11। बात करें 35 की, तो तीन पूरा पूरा ऐड हो जाएगा, बचेगा कितना 2/11 यानी कि 35 में तीन जोड़ोगे तो हो जाएगा 38 होल 2/11। बात करें 40 की, तो तीन पूरा पूरा जुड़ जाएगा, बचेगा कितना आपका 7/11 यानी कि 43 होल 7/11। बात करेंगे 44 की, तो फोर पूरा पूरा क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे नंबर मिल जाएगा हमें और बचेगा कितना 1/11 यानी कि कितना हो जाएगा 49 होल 1/11। 50 की बात करें तो चार पूरा पूरा चला जाएगा, बचेगा कितना 6/11 यानी कि हो जाएगा 54 होल 6/11। और 55 की बात करें तो पूरा पूरा कट जाएगा यानी कि पांच हमें इसमें जोड़ देना, यानी कि सीधी सीधी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 60, सीधी सीधी वैल्यू कितनी आ जाएगी 60। तो किसी भी मिनट पे आपसे वैल्यू पूछे, आपको बिल्कुल ओरली इसको सॉल्व कर लेना है, बिल्कुल आपको पेन चलाने की आवश्यकता नहीं, कैसे करना है वो तरीका भी मैंने बता दिया। अब हम लोग बात करेंगे पूछे गए प्रश्न की। तो जब हम बात करेंगे 7 से 8 के बीच में 0° का एंगल कब बनेगा, दोनों सुइयों के बीच में 7 से 8 की अगर हम बात करें तो 0° का एंगल कब बनेगा, तो हमें पता है एक सुई 7 पे है तो दूसरी भी 7 पे पहुंचेगी, तो 0° का एंगल बनना चाहिए। यानी कि हम क्या करेंगे 35 मिनट का डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, और 35 की वैल्यू की अगर हम बात करें तो 33 तो 3 टाइम्स में डिविजिबल हो जाएगा, बचेगा कितना 2/11, तो 35 में हमें 3 ऐड कर देना, कितना हो गया 38 होल और बचा कितना 2/11। यानी कि 7:38 2/11 पे क्या होगा 0° का एंगल बनेगा दोनों सुइयों के बीच। क्लियर। फिर हम बात करेंगे 90° के कोण की, तो 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 यानी कि 7:20 और 20 की वैल्यू हमें पता है कितनी हो जाएगी 1 होल 9/11, तो 20 में 1 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 21 होल 9/11। दूसरा हम बात करें तो 7 × 3 = 10 यानी कि 7:50, जब 50/11 को आप सॉल्व करोगे तो वैल्यू कितनी मिलेगी 4 होल मिल जाएगी 6/11, यानी कि 50 में 4 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 54 होल यानी कि 54 होल 6/11। ठीक है, तो ये दो टाइम आपके दो बार आपको यहाँ पे 90° का एंगल देखने को मिलेगा 7 से 8 के बीच कब कब बन रहा है। फिर हम बात करेंगे 180° के एंगल की 7 से 8 के बीच, तो 7 में कितना जोड़ेंगे 6 जोड़ेंगे, तो 7 × 6 कितना होगा 13, यानी 13 को हम क्या बोलते हैं 1, तो 1 पे मिनट कितने होते हैं 5, तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 होल 5/11। बताइए क्या कोई भी कठिनाई हो रही है यहाँ पे, यानी कि आपको दिए गए समय पे कोण अगर हम ज्ञात करना है, दिए गए कोण पे अगर आपको समय ज्ञात करना है तो कोई भी कठिनाई हो रही नहीं, केवल और केवल एक वैल्यू थी 12/11, या फिर उसको भी हम लोग आसानी से यहाँ पे हल कर पा रहे हैं 1/11 से कंसीडर करके, यानी कि 1 मिनट के डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 1/11, तो जितने मिनट पे बनना चाहिए उससे हम क्या कर देंगे सीधा सीधा यहाँ पे मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे उतने मिनट में। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे 10 से 11 के बीच में 0° का एंगल कब बनेगा, तो 10 से 11 की बात करें तो 10 पे जब दोनों सुइयां हो, यानी कि 10 पे दोनों सुइयां होने का मतलब 10:50 और 50 की वैल्यू यहाँ पे आप लिखी हुई देख पा रहे हैं कितनी हो जाएगी 54 होल 6/11। फिर हम बात करेंगे 90° की, 10 में 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 13 यानी कि 1, 10:05 यानी कि 5 सही 5/11 पे बनेगा पहला 90° का एंगल, और 10 में से आप क्या करोगे 3 घटा दोगे यानी कि 7, और 35 की वैल्यू यहाँ पे आपको लिखी हुई दिखाई दे रही कितना हो जाएगा 38 होल 2/11। फिर अगर हम 180 की बात करें तो 10 में 6 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 16, 16 का मतलब 4, और 20 की वैल्यू आपको लिखी हुई यहाँ पे दिखाई दे रही कितना 21 होल 9/11। तो मैंने कहा बस एक बार आपको पूरे के पूरे नंबर्स पे क्वेश्चन बना लेने की देर है, उसके बाद आपको ये वैल्यूज बिल्कुल दिमाग में फीड हो जाएंगी। कैलकुलेशन करने का भी बिल्कुल आसान सा तरीका मैंने आपको बताया कि कैसे आप इन वैल्यूज को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्जाम में डायरेक्ट जो आपसे क्वेश्चन पूछता है वो क्या पूछता है कि 12 घंटे में कितनी बार 0° का एंगल बनाएंगी दोनों सुइयां, तो 11 बार। अगर बात करें 12 घंटे में कितनी बार 180° का एंगल बनाएंगी, तो 11 बार। 12 घंटे में कितनी बार 90° का एंगल बनाएंगी, तो 22 बार। और अगर हम बात करें 24 घंटे की, तो इसी का आपको क्या कर देना, जस्ट डबल कर देना, जिसको हम लोगों ने ऑलरेडी नोट डाउन करके लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गई कुछ बेसिक बातें किससे रिलेटेड, आपका दिए गए टाइम पे जब आपको एंगल ज्ञात करना, यानी कि दिए गए एंगल पे जब आपको क्या करना होगा, टाइम ज्ञात करना होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पे, और जहां पे हम लोगों ने अभी तक जो भी बातें सीखी हैं
उन सभी प्रकार के प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे, उन प्रश्नों की चर्चा करेंगे और सारे के सारे क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे ओरली सॉल्व करेंगे। यानी कि यहाँ पे अभी तक जो भी बातें मैंने बताई हैं, जैसे हम लोग ओरली सॉल्व करते आए हैं, वैसे ही अभी यहाँ पे ओरली सॉल्व करेंगे बिना किसी घड़ी को ड्रॉ किए हुए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, फाइंड द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड आवर हैंड एट 10:40। ठीक है, आपको भी ये बताना है कि इन प्रश्नों को सॉल्व करने में आपको कितना समय लग रहा है, क्या आप ओरली सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। तो अगर मैं बात करूं 10:40 पे हमें क्या बताना है, एंगल बताना है, तो एक सुई होगी 10 पे, दूसरी सुई होगी 8 पे। अगर हम बात करें कितने डिविजन्स का गैप है, तो 2 डिविजन्स का गैप है, यानी कि एंगल बनेगा कितने डिग्री का, 60 डिग्री का, क्योंकि एक डिविजन की वैल्यू कितनी होती है, तो एक डिविजन की वैल्यू होती है 30 डिग्री। तो एंगल तो बनना चाहिए था कितने का, 60 डिग्री का। लेकिन अगर हम बात करें तो मिनट हैंड कितना चलिए, 40 मिनट, तो आवर हैंड क्या चलता है, हर मिनट के साथ आधा डिग्री मूव करता है। और क्योंकि यहाँ पे आवर हैंड आपका एक बड़े नंबर पे है, तो मिनट से दूर जाएगा, यानी कि 60 में क्या जोड़ देंगे, मिनट का हाफ यानी कि 20 जोड़ देंगे, तो वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 80 डिग्री। जिन लोगों को ये बात नहीं समझ में आ रही है, पहले आप लोगों को क्या कर लेना है, पहला सेशन आपको देख लेना है जहां पे हम लोगों ने इसके ऊपर चर्चा की हुई है, यानी कि जब आपको समय दिया गया होगा तो एंगल कितना बनेगा इसके ऊपर हम लोगों ने चर्चा की हुई है। चलिए बात कर लेते हैं अगले पूछे गए प्रश्न की। अगले यदि मैं प्रश्न की बात करूं, तो बोला जा रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड द आवर हैंड एट 3:30। तो मैंने आपको बताया जब दोनों सुइयां क्या होंगी, अच्छा यहां पे एक नंबर पे नहीं, एक है 3 पे और दूसरी है 6 पे, यानी कि यहाँ पे कितने डिवीजन का गैप है, 3 डिवीजन का गैप। अगर दोनों सुइयाँ एक ही नंबर पे रहती है तो क्या होता है, आपका जो एंगल बनता है वो हमेशा मिनट का हाफ बनता है। और यहाँ पे मैंने आप लोगों को रिफ्लेक्स एंगल का कॉन्सेप्ट भी समझाया हुआ है पार्ट 1 में। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे दोनों सुइयाँ के बीच कितने डिग्री का एंगल बनेगा, जब समय क्या दिया गया है, 3:30, यानी कि एक सुई है 3 पे, दूसरी सुई कहाँ है, 6 पे। तो अगर हम बात करें कितने डिविजन्स का गैप है, तो यहाँ पे आपको क्लियरली 3 डिविजन्स का गैप बनता हुआ दिखाई देगा। और एक डिविजन की वैल्यू कितनी हो रही है, तो एक डिविजन की वैल्यू हो रही 30 डिग्री। इट मीन्स कि अगर हम बात करें 3 डिविजन की, तो 3 डिविजन की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री। और हमें यह भी पता है कि मिनट हैंड 1 मिनट चलता है, तो आवर हैंड कितना चलता है, 1/2 डिग्री। तो मिनट हैंड 30 मिनट चला है, तो आवर हैंड कितना चलेगा, 15 डिग्री। अब ये देखना है कि मिनट हैंड बड़े नंबर पे है कि आवर हैंड बड़े नंबर पे। तो यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हैं कि मिनट हैंड क्या है, बड़े नंबर पे, यानी कि मिनट हैंड कहाँ है, 6 पे है, और आवर हैंड कहाँ है, 3 पे है। तो आवर हैंड मिनट की तरफ मूव करेगा, यानी कि 90 में से आपको क्या कर देना था, 15 माइनस कर देना था, आंसर क्या मिल जाएगा, 75 डिग्री। अगले प्रश्न की यदि मैं बात करूँ, तो बोला है फाइंड द एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड एट 1:10, यानी 1:10 पे मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, यह हमें बताना है। तो एक सुई 1 पे, दूसरी सुई 2 पे, एक डिवीजन का गैप मतलब 30 डिग्री। मिनट हैंड क्या है, बड़े नंबर पे, तो आवर हैंड क्या करेगी, मिनट की तरफ जाएगी, यानी कि एंगल घटेगा, कितना घटेगा, मिनट का हाफ, यानी कि 5 डिग्री आपका घटेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 25 डिग्री। बात कर लेते हैं अगले पूछे गए प्रश्न की। 9:30, एक सुई 9 पे, दूसरी 6 पे, 3 डिवीजन का गैप, बड़े नंबर पे कौन है, आवर हैंड, तो इस बार क्या हो जाएगा, 15 जुड़ेगा। 3 डिवीजन की वैल्यू कितनी, 90 डिग्री, और 15 जोड़ोगे तो कितना जाएगा, 105। बिल्कुल आसानी से ओरली आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, बस दिमाग में क्या होना चाहिए, घड़ी छपी हुई होनी चाहिए। तो ये तो हमने चर्चा कर ली किसकी, दिए गए समय पे एंगल ज्ञात करना। यहाँ पे अब हम लोग बात करेंगे दिए गए एंगल पे टाइम ज्ञात करना, यानी कि हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे हैंड्स ऑफ अ क्लॉक आर कोइंसाइड ऑफ ईच अदर, यानी कि दोनों घड़ियां, दोनों सुइयां क्या होंगी, संपाती कितनी बार होंगी। तो मैंने आपको बताया इसके बारे में कि डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाते हैं। संपाती होने का मतलब कितने डिग्री का कोण, 0 डिग्री का कोण। और अगर हम बात करें समय की, तो समय यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है इन अ डे, यानी कि 24 घंटे की बात कर रहा है, एक दिन की बात कर रहा है। तो 12 घंटे में कितनी बार होती है, 11 बार होती है, तो 24 घंटे में कितनी बार हो जाएगा, 22 बार हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले यदि मैं पूछे गए प्रश्न की बात करूं, तो बोला एट व्हाट टाइम बिटवीन 1 and 2 o'clock विल द हैंड्स ऑफ अ वॉच मेक्स एन एंगल ऑफ 180 डिग्री, यानी कि 1 बजे से 2 बजे के बीच दोनों सुइयों के बीच में 180 डिग्री का कोण कब बनेगा, आपको बताना है समय। और 180 डिग्री के लिए यहाँ पे हमें पता है कि कितने डिविजन्स का गैप होना चाहिए, 6 डिविजन्स का। तो एक सुई 1 पे है, तो दूसरी कहाँ होगी, 7 पे होगी, यानी कि 1:35। और 35 को जब आप क्या करोगे, यानी कि 1/11 के टर्म्स से अगर सॉल्व करते हो, तो 3 होल जाएगा और 2/11 बचेगा, यानी कि 35 में कितना जोड़ देना था, 3 जोड़ देना था, हो गया 38, बचेगा कितना, 2/11।
और आपको ऐसा विकल्प केवल और केवल ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 38:11 यानी कि 1:38 2/11 पे क्या होगा, दोनों सुइयों के बीच में 180 डिग्री का कोण बनेगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। जब तक कॉन्सेप्ट समझते हैं तब तक देखो कोई दिक्कत नहीं, आराम से घड़ी बना के समझिए, सुई बना के समझिए, लेकिन जब हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं तो हम ये चाहते हैं कि आप भी क्या करें, थोड़ा सा अपनी स्पीड को कहीं ना कहीं बूस्टअप करें, थोड़ा सा जो अप्रोच है यानी किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो किस प्रकार से हमारा होना चाहिए एग्जाम हॉल में, उसको कहीं ना कहीं आप लोग क्या करें यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें सेशन के दौरान ही, ताकि क्या हो आप क्वेश्चंस को तेजी के साथ साथ ही साथ एक्यूरेसी के साथ भी बनाना सीखें। और यही एक मुख्य कारण है कि मैंने किसी भी चैप्टर में फॉर्मूलों पे बिल्कुल भी जोर नहीं दिया है कि आपको फॉर्मूला रटना है, अदरवाइज आप फॉर्मूला रटिए, डेफिनेटली रटिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्जाम हॉल में जाके अगर फॉर्मूला भूल गए तो कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, आप क्वेश्चंस को हल नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है वो सारी बातें हम लोगों ने यहाँ पे जानी है। तो अगर आप मान लीजिए फॉर्मूला आपने याद भी किया, फॉर्मूला से आप बना भी रहे, तो कहीं ना कहीं समय भी आपका अधिक लगेगा और फॉर्मूला याद रहे ना रहे इसकी कोई गारंटी भी नहीं है। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट एक बार आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन कैसा भी पूछे आप आसानी से उसको क्या कर पाएंगे, बना पाएंगे और कम समय में बना पाएंगे, दोनों ही बातें यहाँ पे आपके लिए बेनिफिशियल होने वाली हैं, ठीक है। तो बोला जा रहा है एट व्हाट टाइम बिटवीन 6 and 7 आर द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक 8 मिनट अपार्ट। क्वेश्चन अच्छा है, देखिए बना ही लेते हैं गोला भाई। बारह अब कहने का मतलब प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है, सबसे पहले इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो प्रश्न में बोला है 6 से 7 के बीच, तो पहले हम बात कर लेते हैं 6 बजे की। ये हो गया आपका मिनट हैंड, ये हो गया आपका आवर हैंड, ठीक है। पहले हम बात कर लेते हैं 6 बजे की। तो दोनों सुइयों के बीच यहाँ पे बोला है कि दोनों जो सुइयां हैं वो 8 मिनट के क्या हो, डिस्टेंस पे हो, यानी कि 8 मिनट की दूरी पे हो। तो 8 मिनट की दूरी की अगर हम बात करें तो पहला तो बेसिक टाइम हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा क्या, 6:22, यानी कि एक तो होगा कब, जब 6:22 का समय होगा और दूसरा हम बात करें तो 6:38 यानी कि 30 पे यहां पे आपको दिखाई दे रहा है, 6:38 के आसपास अगर हम बात करें तो दोनों सुइयों के बीच में अगर हम बात करें तो कितने का अंतर होना चाहिए, तो 8 मिनट का अंतर होना चाहिए। और मिनट की अगर हम बात करें तो आप कह सकते हैं कि 6:22। लेकिन यहाँ पे 8 मिनट कहने का मतलब क्या है, 8 मिनट कहने का मतलब ये है कि अगर एक मिनट वाली सुई 1 मिनट चलती है तो 6 डिग्री का कोण कवर करती है। तो 8 मिनट कहने का मतलब क्या है कि दोनों सुइयों के बीच में 48 डिग्री का कोण होना, 8 × 48 हाँ 48 डिग्री का कोण होना चाहिए। तो 48 डिग्री का कोण होने का मतलब क्या है कि दोनों के बीच में 8 मिनट का गैप हो। तो 8 मिनट के गैप की अगर हम बात करें तो समय दिया है आपको 6 से 7 के बीच, तो 6 से 7 के बीच में 8 मिनट का गैप दो बार बनेगा, एक तो बनेगा 6:22 पे और एक बनेगा 6:38 पे, ठीक है। बेसिकली ये टाइम आपका होना चाहिए, लेकिन हमें क्या करना है, हमें पता है कि यहाँ पे मिनट डिस्प्लेसमेंट के कारण ये एग्जैक्ट टाइम नहीं आएगा, हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मिनट में 12/11 से, या फिर 1/11 से हम क्या कर सकते हैं मिनट को मल्टीप्लाई करके जितने मिनट पे बन रहा है उसमें ऐड कर सकते हैं। दोनों ही तरीके मैंने आपको बताए हैं। तो जब आप 22 को यहाँ पे लोगे, 22 को लोगे, 22/11 को, तो यहाँ पे पूरी पूरी आपकी वैल्यू कितनी बन जाएगी, 2 बन जाएगी, यानी कि 22 में सीधे सीधे आप क्या कर दोगे, 2 जोड़ दोगे, तो कितना आ जाएगा वैल्यू, 24 मिनट, ठीक है। पूरा पूरा वैल्यू क्या आ जाएगा, 24 मिनट, यानी कि 6:24 पे अगर हम बात करें तो दोनों सुइयों के बीच में 48 डिग्री का क्या बनेगा, एंगल बनेगा। इसका दो तरीका था निकालने का, एक तो इस तरीके से आप कर सकते थे, तो 11 × 2 कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा, 12 × 2 कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो यहाँ से सीधे सीधे भी वैल्यू आपको मिल जाती है कितनी, 24 मिनट। ये हो गई एक टाइम की बात। दूसरा टाइम जो आपका आ रहा है 6:38 आ रहा है, तो 38 को क्या करोगे आप जब मल्टीप्लाई करोगे किसमें, 12/11 में, 12/11 वैल्यू में क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ पे सीधे सीधे आपको 3 तो होल देखने को मिलेगा और बच जाएगा कितना आपका,
यानी कि ये वैल्यू हो जाएगी आपका, इसमें जोड़ोगे 38 में तो 3 होल हो जाएगा और आपको बचेगा 33, बचा कितना 7, जाएगा 6 टाइम्स में, ठीक है। यानी कि ये वैल्यू बचे हो जाएगा आपका कितना, 41 होल 9/11। देखो कैसे 38 में अगर आप इसको, एक तरीका ये था 38/11 लिख लो, 38/11 लिखोगे तो कितने बार में जाएगा, 3 टाइम्स में जाएगा, 33 बचा कितना, सॉरी ये वैल्यू गलत है, देखो इसको पूरा सॉल्व ही कर लेते हैं। अगर बात करें 38 की तो 3 टाइम्स में पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा, 3 होल 5/11, ये आपकी वैल्यू बचेगी। और अगर हम बात करें इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 38 को, जब आप 12/11 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12/8 96 और 12/3 36 और 9/45, यानी कि 456/11। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 4 बार में जाएगा 44, बचेगा 16, यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाएगी 16, यानी कि 1/5/11, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 41 होल 5/11। चाहे आप क्या कर देते, 3 को ऐड कर देते 38 में और 5/11, यानी कि वैल्यू की अगर हम बात करें तो दो यहाँ पे आपकी वैल्यूज बनती हुई दिखाई दे रही हैं। एक वैल्यू की बात करें तो बन रहा है आपका कितना, 6:24 पे, और दूसरी वैल्यू की बात करें तो 6:41 5/11। तो यहाँ पे आपको एक ही वैल्यू दी गई है 24 मिनट वाली, तो वही आपका क्या हो जाएगा, पूछे गए प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि कितने भी डिग्री के एंगल पूछे किसी भी दिए गए समय में आप आसानी से निकाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि 90 ही निकाल पाएँ, 180 ही निकाल पाएँ, 0 ही निकाल पाएँ। बट इन वैल्यूज़ की मैंने बात इसलिए करी क्योंकि बेसिकली आपको एग्जाम में यही वैल्यूज़ देखने को मिलेंगी, इसके अतिरिक्त आपसे वैल्यूज़ नहीं पूछी जाती हैं। अगर पूछी भी जाती हैं तो आपने तरीका देखा कि कैसे हम निकाल सकते हैं। मान लेते हैं यहीं पर अगर हम बात करें, बोला है 6 से 7 के बीच, हमने कहा 6 से 7 के बीच में दोनों सुइयों के बीच में बताओ 36 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो 36 डिग्री के कोण का मतलब क्या होता है, 6 मिनट पहले और 6 मिनट बाद। तो यहाँ पे समय है 6 से 7 के बीच, तो 6 से 7 के बीच 6 मिनट पहले की अगर हम बात करें तो एक तो बनेगा 6:24 पे और एक बनेगा 6:36 पे। तो अगर हम 6:24 की बात करें तो क्या हो जाएगा, 2 होल 2/11, और 36 की बात करें तो क्या हो जाएगा, 3 होल 3/11। यानी कि एग्जैक्ट टाइमिंग की बात करेंगे तो आ जाएगा 39 होल 3/11, और इसकी बात करें तो कितना आ जाएगा, 26 होल 2/11। समय कोई भी दिया गया हो आप आसानी से निकाल सकते हैं, कैलकुलेशन का तरीका भी मैंने आपको बता दिया, कोई भी कठिनाई नहीं होने वाली है, एंगल कुछ भी पूछे, लेकिन बेसिकली आपसे पूछा जाएगा 90 डिग्री, 180 डिग्री और 0 डिग्री। तो इसलिए मैंने क्या किया है, सारे ही वैल्यूज़ की चर्चा भी कर ली है कि आप इन वैल्यूज़ को कैसे डायरेक्टली या फिर ओरली निकाल सकते हैं विदाउट यूजिंग पेन एंड कॉपी, ठीक है। चलिए बात कर ली जाए अगले पूछे गए प्रश्न की। तो बोला गया है 7 से 8 के बीच में 0 डिग्री का कोण, यानी कि कोइंसाइड। तो 7:35 वैल्यू कितनी आ जाती है, 38 होल 2/11। चलिए 3 से 4 के बीच की अगर हम बात करें तो क्या पूछा है, मीट बिटवीन, यानी कि 0 डिग्री, आपस में कब मिलेंगी 0 डिग्री। तो 0 डिग्री की अगर हम बात करें 3 से 4, यानी कि 3:15 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16 होल 4/11। देखो ऑप्शन से भी मैंने कहा इसीलिए आप एलिमिनेट कर सकते थे, 15 को हम क्या लिख सकते थे, 15/11 इसमें जोड़ सकते थे, 15/11 को जब आप यहाँ पे क्या करोगे, कन्वर्ट करोगे प्रॉपर फ्रैक्शन में, यानी कि तो 1 तो होल आ जाएगा और प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4/11। तो यानी कि 15+1 करोगे 16 होल 4/11, एक तरीका। दूसरा तरीका मैंने बताया था 15 को मल्टीप्लाई कर लो 12/11 से, तो 12 120 12 5 60, यानी कि 180/11। इसको आप सॉल्व करोगे तो एक बार में जाएगा वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 आ जाएगी, बचेगा कितना यहाँ पे 7, यानी कि आगे 0 तो 70, कितने टाइम्स में जाएगा, 6 टाइम्स में जाएगा, बचे कितना, 4/11। तो 16 होल 4/11 आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा पूछे गए प्रश्न के लिए। When will the hour hand and minute hand be opposite each other between 7 and 8? 7 और 8 के बीच में 180 डिग्री का कोण, तो 7 में क्या जोड़ना है, 6 जोड़ना है, 7 6 कितना 13, 13 की वैल्यू कितनी 5 मिनट, तो क्या आ जाएगा आंसर, 5 होल 5/11, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। कोई भी कठिनाई नहीं होने वाली है, बस आपके दिमाग में घड़ी छपी हुई होनी चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं कुछ अन्य पूछे गए प्रश्नों की। तो बोला है हाउ मच एंगुलर डिस्टेंस विल बी कवर्ड बाय द मिनट हैंड ऑफ अ करेक्ट क्लॉक इन अ पीरियड ऑफ 2 आवर एंड 20 मिनट्स, यानी कि
एक सही घड़ी में मिनट हैंड के द्वारा 2 घंटे 20 मिनट में तय की गई कोणीय दूरी की हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बात करेंगे। देखो ये हो गया आपका 12, ये हो गया आपका 6, 3, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8। तो एंगुलर डिस्टेंस की भी हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर रखी है, यानी कि एंगुलर डिस्टेंस के ऊपर भी हम लोगों ने चर्चा किया हुआ है। मिनट हैंड 1 मिनट में कितना चलती है, तो मिनट हैंड 1 मिनट में चलती है 6 डिग्री, यानी कि 1 घंटे में कितना चलेगी, तो 360 डिग्री चलेगी। 2 घंटे की बात करें तो पुनः क्या चलेगी, 360 डिग्री चलेगी। और 20 मिनट की बात करें तो कितना चलेगी, 120 डिग्री चलेगी। करना क्या था आपको, सबको ऐड कर देना था, यानी कि वैल्यू कितनी आ जाएगी, 840, यानी कि 360 हो गया, 720 प्लस 120 करोगे तो 840। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि एंगल की वैल्यू तो हमें केवल पता है कि मैक्स टू मैक्स कितनी हो सकती है, 360 हो सकती है, 360 के बाद एंगल की वैल्यू हमें नहीं पता। तो आंसर जो हमें पिक करना है वो 120 डिग्री पिक करना है या फिर हमें 840 डिग्री पिक करना है। ये सबसे महत्वपूर्ण क्या है यहाँ पे मुद्दा है, ये सबसे महत्वपूर्ण क्या है यहाँ पे सवाल है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि जब हमने क्या किया था, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की बात करी थी। तो जैसे मैंने कहा, अ पर्सन गोज 5 किलोमीटर टूवर्ड साउथ, यानी कि एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में 5 किलोमीटर चलता है, फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ता है, देन ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड गोज 5 किलोमीटर, फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ता है और कितना चलता है, 5 किलोमीटर चलता है। और हमने कहा अंततः ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न, यानी कि अंततः वह अपने बाईं ओर मुड़ता है, फाइनली ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड गोज 5 किलोमीटर, अंततः वह अपने बाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, क्लियर। तो अगर हम यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछे हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय द पर्सन, यानी कि व्यक्ति के द्वारा चली गई दूरी, तो आप आंसर क्या करते थे, आप आंसर करते थे 15 किलोमीटर, आप आंसर क्या करते थे 15 किलोमीटर। और जब हम आपसे पूछते थे डिस्टेंस बिटवीन हिज इनिशियल पॉइंट टू एंडिंग पॉइंट, तो क्या करते थे आप, आंसर 5 किलोमीटर, क्लियर। तो जब हम बात करते थे व्यक्ति के द्वारा चली गई दूरी की, तो आप क्या करते थे, मैक्सिमम डिस्टेंस की बात करते थे। उसी प्रकार अगर हम बात करें मिनट हैंड के द्वारा कवर किया गया डिस्टेंस, तो ऑब्वियस सी बात है यहां से घूम के यहां तक आई तो कितने की दूरी कवर करी, 360 डिग्री की कवर तो किया इसने। फिर से दोबारा से यहां से घूम के यहां तक आए तो फिर से इसने क्या किया, 360 डिग्री का कोण कवर किया। और फिर यहां से घूम करके कहां तक आया, 4 तक आया, तो फिर से यानी इसने क्या किया, 120 डिग्री का कोण कवर किया। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द हैंड ऑफ क्लॉक की अगर हम बात करेंगे, तो यहां पे एंगल की वैल्यू आप 360 से ज्यादा वाले को क्या करेंगे, प्रिफर करेंगे, आंसर करेंगे। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 840 डिग्री क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा पूछे गए प्रश्न के लिए। लेकिन जब बात करेंगे दो सुइयों के बीच के कोण की, तो वो कभी भी आपका 360 से ज्यादा नहीं हो सकता। यानी कि जब हम डिस्टेंस कवर्ड बाय द हैंड ऑफ क्लॉक की बात करेंगे, तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 360 से ज्यादा भी हो सकती है, बिल्कुल भी यहाँ पे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए बात कर लेते हैं अगले पूछे गए प्रश्न की। इन वॉट टाइम द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ 135 डिग्री कवर्ड बाय द आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक, यानी कि घड़ी में घंटे वाली सुई के द्वारा 135 डिग्री का कोण बनाने में या कवर करने में लगा समय आपको बताना है, ठीक है। तो अगर हम बात करें आवर हैंड की, तो देखो इसका आंसर आप सीधा सीधा कर सकते थे, कैसे कर सकते थे, कि जब मिनट वाली सुई 1 मिनट चलती है, तो आवर हैंड क्या करता है, हाफ डिग्री का एंगल कवर करता है। और आवर हैंड यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 135 डिग्री का एंगल बना रहा है, यानी कि इसका जस्ट डबल कर दोगे, यानी कि 270 क्या लगेगा, मिनट लगेगा, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, 270 मिनट। लेकिन एक विकल्प आपको यहाँ पे दिया गया है, बोथ ए एंड सी, यानी कि सी वाले को भी एक बार हमें क्या कर लेना है, देख लेना है। सी वाले की अगर हम बात करें, तो दिया गया है 2 आवर एंड 30 मिनट, यानी कि 120 प्लस 30, यानी कि 150 मिनट। तो हमें पता है कि वैल्यू कितना, टाइम कितना लग रहा है, 135 डिग्री का एंगल बनाने में घंटे वाली सुई को, तो 270 मिनट लग रहा है, यानी कि यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही विकल्प हो जाएगा पूछे गए प्रश्न के लिए, क्लियर। पहले ही लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जो आपका आवर हैंड होता है वो क्या करता है, 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाता है, 1 मिनट में क्या करता है, आधे डिग्री का कोण बनाता है। और 135 डिग्री का कोण बना रहा है, मतलब समय कितना लगेगा, समय लगेगा इसको 270 मिनट। देखिए क्या हो रहा है भाई, 5, 7 और 8। चलिए जब हमने कहा 1 घंटे की ड्यूरेशन, यानी कि दोनों सुइयां अभी एक ही नंबर पे, 1 घंटे की ड्यूरेशन की बात करते हैं, तो 1 घंटे बाद आपका आवर हैंड कहाँ जाता है, 1 पे आ जाता है, यानी कि 60 मिनट में
कितने डिग्री का कोण बना रहा है, तो हमें पता है कि एक डिवीजन की वैल्यू होती है 30 डिग्री, और ये 12 से कहाँ तक की दूरी तय कर रहा है, एक तक की दूरी तय कर रहा है, यानी कि 60 मिनट में क्या कर रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है मिनट की वैल्यू जस्ट डबल है कंपेरिजन टू जितने डिग्री का ये कोण बना रहा है। तो कोण इसने कितने डिग्री का बनाया, 135 डिग्री का, ऑब्वियस सी बात है मिनट कितने चले होंगे, 270। इसको हम ऐसे भी देख सकते थे, दो घंटे यानी कि 120 मिनट में कितने डिग्री का एंगल, 60 डिग्री का, तीन घंटे की बात करें तो 180 मिनट में कितना, 90 डिग्री का, 180 के बाद हम फिर से एक घंटे की बात करें यानी कि चौथे घंटे में फिर से 30 डिग्री यानी कि 120 डिग्री का। अब बचा कितना, 15 डिग्री का इसे कोण और बनाना है, यानी कि मिनट हैंड को कितना और चलना पड़ेगा, आधा घंटा और यानी कि 30 मिनट और चलना पड़ेगा। तो ये क्या करेगा, 15 डिग्री का कोण और बनाएगा, यानी कि एग्जैक्टली 4 से 5, अगर हम 12 से शुरुआत करें तो 4 से 5 के बीच में होगा। और ऐसा करने में इसको समय कितना लगेगा, तो ऑब्वियस सी बात है 270 मिनट इसको लगेंगे, या फिर आप बोल सकते थे इसको 4 घंटे 30 मिनट। और अगर 4 घंटे 30 मिनट यहाँ पे वैल्यू दी गई होती तब आपका आंसर क्या हो जाता, बोथ ए एंड सी, लेकिन यहाँ पे वैल्यू क्या दी गई है, 2 hours and 30 minutes। तो 4 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 60 से तो कितना हो जाएगा, 240 और प्लस 30 मिनट यानी कि 270 मिनट यहाँ पे वैल्यू आपको देखने को मिलती। अगर ये लिखा होता 4 hours and 30 minutes तो आपका आंसर क्या हो जाता, बोथ ए एंड सी। ठीक है, तो इस प्रकार का प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है, यहाँ पे भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट हम बात कर ले रहे हैं यहाँ पे जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब पर आधारित प्रश्नों की। अगर आपसे एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, कैसे आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, इसके बारे में लोग चर्चा करेंगे। तो जब कभी भी आपसे पूछा जाएगा वाटर से रिलेटेड क्वेश्चन, और जब कभी भी आपसे पूछा जाएगा मिरर इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन, यानी कि जल प्रतिबिंब में घड़ी में दिखाई देने वाले समय की हम बात करें, या फिर हम बात करें दर्पण में घड़ी में समय दिखाई देने वाले की बात करें। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान क्या देना है आपको, देखो अगर आप इसका प्रैक्टिकल कर रहे हो घर पे तो ध्यान ये देना है कि ये जो घड़ी होती है ना, ये बिना नंबर वाली घड़ी होती है, डॉट्स वाली, नहीं तो पता चला कह दो कि हमने क्या किया सर, प्रैक्टिकल करके देखा, आपने कहा कि 12:05 पे घड़ी समय कितना दिखाएगी, तो आपने तो कहा था कितना आ जाएगा, 11:55 आ जाएगा, लेकिन हम तो देख रहे थे तो हमें तो जो घंटे वाली सुई मिनट वाली सुई थी वो एक पे ही दिखाई दे रही थी, क्यों, अब भले आपको एक ऐसा दिखाई दे वो बात अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बिना नंबर वाली सुई की, यहाँ पे अप्रोच क्या होना चाहिए हमारा, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा कर लेंगे। चलिए, तो जब हम बात करेंगे वाटर से रिलेटेड यानी कि वाटर इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन, तो यहाँ पे वैल्यू को हमें क्या कर देना है, 1830 में से माइनस कर देना है पूछे गए समय की। और जब हम बात करेंगे मिरर से रिलेटेड क्वेश्चन की, तो 1160 में से क्या कर देना है, वैल्यू को हमें माइनस कर देना है जो भी समय पूछा गया हो। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है, प्रश्न में हमसे पूछा गया 3:17, तो इसका हम लोग क्या निकाल लेंगे, वाटर इमेज भी निकाल लेंगे और मिरर इमेज भी निकाल लेंगे। तो यानी कि जब घड़ी में 3:17 है तो वाटर इमेज निकालोगे तो 3:17 को इसमें से माइनस कर दोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15:13 यानी कि 3:13। और मिरर इमेज की बात करें तो 3:17 दिया है, इसको जब आप माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 8:17 दिया है, 43 मिनट। ठीक है, तो टाइम कोई भी हो, यहाँ पे मैं कुछ समय दे रहा हूँ जिसको आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ज्ञात करेंगे। चलिए, कुछ समय की हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं जिसको आप लोगों को यहाँ पे ज्ञात करना है, तो समय ले लेते हैं हम लोग, सबसे पहले यहाँ पे ले लेते हैं 5, 11, 6, 18, 7:45 and 12:23। इन चार समय पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे चर्चा करेंगे, इन चार समय को हम लोग यहाँ पे ज्ञात करेंगे, वाटर में भी और मिरर में भी। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे 5:11, तो 18 में से 5 घटाओगे यानी कि यहाँ पे क्या था 18:30, 18 में से 5 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 13, और मिनट कितना है 11, तो 30 में से 11 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 19, यानी कि आपको टाइम मिल जाएगा 1:19। ठीक है,
दूसरे वाले की हम बात करें तो यहाँ पे 6:18 है, तो 18 में से 6 घटाओगे तो कितना बचेगा 12, और 30 में से 18 घटाओगे तो कितना बचेगा 12, यानी कि 12:12 आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। तीसरे टाइम की जब हम बात करते हैं 7:45 की, तो ध्यान दीजिए जब हम 7:45 की बात करते हैं, चलिए जब हम बात करते हैं किसकी 7:45 की, तो यहाँ पे हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 45। अब आप कहोगे कि 30 में से 45 को कैसे हम घटाएं, ठीक है, तो यहाँ पे 18 क्या आपका आवर है, 18 से जब हम 1 कैरी लेंगे तो यहाँ पे 60 कैरी जाएगा, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा 90 मिनट हो जाएगा, और 90 में से जब आप क्या करोगे 45 घटाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा 45, और यहाँ पे हमने एक कैरी दिया तो ये वैल्यू कितनी बची है, ये वैल्यू बची है 17 में से 7 घटाओगे तो ये आ जाएगा 10, यानी कि 10:45 क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार हम बात करेंगे 12:23 की, तो 18 में से 12 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 6, और 30 में से 7 घटाओगे तो आ जाएगा 7, यानी कि 6:07। तो आपने देखा कि जब कभी भी आपसे वाटर इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा तो आपको क्या कर देना है, वैल्यू को 18:30 में से माइनस कर देना है, और जब बात करेंगे मिरर से रिलेटेड क्वेश्चन की तो आपको क्या करना है 11:60 में से वैल्यू को घटा देना है, ठीक है। टाइम यहाँ पे दिया गया 5:11, तो 11 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 6, और 60 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा 49, यानी कि 6:49 पहले क्वेश्चन के लिए आंसर। दूसरे क्वेश्चन की बात करें 6:18 की, तो 11 में से 6 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 5, और 60 में से 18 घटाओगे तो कितना बचेगा 42, यानी कि 5:42। तीसरे दिए गए समय की अगर हम बात करें तो 7:45 की, तो 11 में से 7 घटाओगे तो आ जाएगा 4, और 60 में से 45 घटाओगे तो आ जाएगा 15। अब हम बात कर लेते हैं चौथे दिए गए समय की, चौथा समय आपको क्या दिया गया है 12:23। अब वैल्यू तो 11 है तो हम 12 यहां से कैसे माइनस करेंगे, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है। तो जब भी हम बात करेंगे यहां पे 12 की, तो 12 को हम क्या कंसीडर करेंगे, 12 को हम 0 कंसीडर करके चलेंगे, 12 को हम क्या कंसीडर करेंगे 0 कंसीडर करेंगे, और यहां पे 11 में से 0 ले जाओगे तो कितना बचेगा 11 बचेगा, और 60 में से 23 ले जाओगे तो कितना बचेगा 37 बचेगा, यानी कि 11:37 क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा मिरर इमेज का, यानी कि एक्चुअल क्लॉक में अगर 12:23 का समय दिखा रहा है तो जब आप इसको क्या करोगे दर्पण में देखोगे तो आपको दिखाएगा 11:37 का समय, ठीक है। चलो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। 7:30 पे आपसे पूछा है जल में कितना समय दिखाई देगा, जब हम 7:30 की बात करते हैं तो जल प्रतिबिंब में कितना समय दिखाई देगा, तो हमें पता है किसमें से माइनस करना था 18:30 में से क्या कर देना था माइनस कर देना था दिए गए समय को, तो समय कितना दिया है 7:30, तो 18 में से 7 ले जाओगे तो बचेगा 11, और 30 में से 30 ले जाओगे तो बचेगा 0, यानी कि आपको टाइम क्या मिल जाएगा 11:00। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पूछे गए प्रश्न के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से आंसर करिए, 6:25 बताना क्या हमें मिरर घटाना किसमें से है 12:60 में से, तो 12 में से 6 घटाओगे तो कितना बचेगा 6 बचेगा, और 60 में से 25 घटाओगे तो 35 बचेगा, सॉरी 11 में से घटाना था, और यहां पे 11 में से 6 घटाएंगे तो बचेगा कितना, देखो आंसर नहीं दिया है यहां पे, ऑप्शन नहीं है, 11:60 में से हमें क्या करना है 6:25 को माइनस करना है, तो 11 में से 6 घटाएंगे तो बचेगा 5, और 60 में से 25 घटाएंगे तो बचेगा 35, यानी कि जो करेक्ट यहाँ पे आंसर होना चाहिए था वो होना चाहिए था 5:35, ठीक है 5:35, क्लियर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बाय मिस्टेक यहाँ पे आपको 25 देखने को मिल रहा है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 5:35। अगले पूछे गए समय की बात करें तो मिरर इमेज बताना है, तो 60 में से 15 घटाओगे तो 45, 45 के साथ में दो ऑप्शन दिखाई दे रहे, 11 में से 4 घटाओगे तो 7, यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। तो इस प्रकार के प्रश्नों में आपको बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होने वाली है, आप आसानी से ओरली इन क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं बिना किसी परेशानी की। अब अगर हम बात करें तो हमारा एक प्रकार का प्रश्न यहाँ पे बचता है जो कि क्या है आपका इनकरेक्ट क्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको कम ही देखने को मिलते हैं लेकिन फिर भी कई बार आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, और हम यहाँ पे कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, हम हर प्रकार के प्रश्नों को यहाँ पे क्या करेंगे डिस्कस करेंगे, हर प्रकार के प्रश्नों की तैयारी करके हमें एग्जाम में जाना है, और हमें क्या करना है ऑप्टिमम मार्क्स गेन करने हैं, यानी कि मैक्सिमम जो मार्क्स हम गेन कर सकते हैं क्वेश्चन में वो हमें क्या करना है गेन करना है, और कहीं ना कहीं जो हमारा एम है हमारा मोटिव है क्या
कि हम अपने लिए एक स्थान सुनिश्चित करें, हम कहीं ना कहीं अपने लिए एक पोस्ट क्या करें, सुनिश्चित करें। ये हमारा जो एम है, ये हमारा जो मोटिव है, इसके तहत हमें क्या करना है, काम करना है। सब्जेक्ट कोई भी हो, चैप्टर कोई भी हो, हमें हर प्रकार के प्रश्नों को पढ़ते हुए चलना है। फिर अगर हमने एक बार पर्टिकुलर चैप्टर को कवर अप कर लिया तो हमें बार बार फिर उस चैप्टर को देखने की ज़रूरत ना पड़े। प्रश्न कैसा भी पूछा जाए, कहीं से भी उठा के पूछा जाए, किसी भी प्रकार का पूछा जाए, जो बेस्ट अप्रोच हो सकता है, जो इजिएस्ट वे हो सकता है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो हमें पता होना चाहिए, जिससे हम क्या कर सकें, मिनिमम टाइम में मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को हल कर सकें। क्लियर? तो चलिए, इसी कड़ी में हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे क्लॉक के पार्ट 3 के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।